ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, इसी कामना के साथ आज हम ज्योतिष की चर्चा में जिस योग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है छत्र योग। छत्र योग कुंडली में कब बनता है और इसका जीवन में कैसा प्रभाव होता है, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे ज्योतिष में हजारों तरह के योग बनते हैं और कुछ योग जो हैं बता पाना संभव है और कुछ योगों के ऊपर चर्चा भी नहीं होती है। तो आज हम जिस योग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उस योग का नाम है छत्र योग। यह छत्र योग कुंडली में कैसे बनता है और इसका जीवन में कैसा प्रभाव होता है, यह आप इसमें जान पाएंगे। तो ध्यान दें, कुंडली में ग्रह कौन से भाव में है यह जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग गलत ग्रह देख लेते हैं कौन से भाव में है। ग्रह के साथ जो अंक लिखा होता है वह भाव का अंक नहीं होता, वह सदा राशि का अंक होता है। इसलिए ध्यान पूर्वक अपने ग्रहों को कुंडली में देखना चाहिए। आइए छत्र योग के ऊपर चर्चा करते हैं। जब जन्मपत्री में सप्तम भाव से लेकर लग्न तक सभी ग्रह होते हैं, इस योग में हम सात योगों की चर्चा है, राहु और केतु को इस योग में नहीं गिनना है, उनको अलग ही रखना है, बाकी जो सात ग्रह रह जाते हैं उन्हीं के अनुसार यह योग बनेगा। सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव से लेके लग्न तक जब सात ग्रह अलग अलग राशियों में अकेले बैठे हों और इसमें किसी ग्रह का कंजक्शन ना हो राहु को छोड़कर, राहु और केतु को छोड़कर, और अगर राहु किसी ग्रह के साथ बैठा है कोई दिक्कत नहीं है। भाव यह है कि राहु केतु का विचार हमने नहीं करना है, बाकी जो सात ग्रह हैं वो कुंडली के सप्तम भाव से लेकर लग्न तक अगर बैठे हुए हैं जन्मपत्री में, तो ऐसे में कुंडली में छत्र योग बनता है और छत्र योग का प्रभाव इसके नाम के अनुसार ही होता है। जैसे छत्री लोगों को बारिश के समय आश्रय देती है, सहारा देती है, उसी प्रकार जिनकी कुंडली में छत्र योग होता है ऐसे जातक जो हैं दूसरों को सहारा देने वाले होते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, परोपकार करने वाले होते हैं, अपनों को और दूसरों को आश्रय देते हैं, उनका जीवन में कठिनाइयों को दूर करते हैं, परोपकार करने वाले ऐसे जातक होते हैं, दूसरों को सहारा देने वाले, दीन दुखियों को सहारा देने वाले, किसी कष्ट में आए हुए व्यक्ति को सहारा देने वाले ऐसे जातक होते हैं, बड़े ही दयालु होते हैं, दूसरों के ऊपर दया करने वाले होते हैं, दीन दुखियों के ऊपर ऐसे जातक दया करते हैं, दयावान ऐसे जातक होते हैं। और जब ऐसे जातक आश्रय देने वाले हों, दया करने वाले हों, तो निश्चय ही ऐसे जातक दानी भी होंगे, क्योंकि बिना दान के किसी को आश्रय देना और दया करना संभव नहीं है। तो ऐसे जातक दानी होते हैं, धन का दान करने वाले होते हैं, हर तरह से दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, और ये इस छत्र योग का प्रभाव है कि दूसरों को आश्रय देने वाला, दूसरों को एक छत्री की तरह सहारा देने वाला जो जातक होते हैं उनकी कुंडली में अक्सर छत्र योग देखा गया है। सप्तम भाव से लेके लग्न तक जब सभी सात ग्रह जो हैं जब बैठे होते हैं अकेले अकेली राशि में, और निश्चय ही ऐसे जातक के विचार बड़े उच्च होते हैं, बड़े ही अच्छे विचार होते हैं और बड़ा ही
अच्छा सोचते हैं दूसरों के बारे में और बड़े बुद्धिमान ऐसे जातक होते हैं। किंतु ऐसे जातकों का जो जीवन होता है, मध्यम अवस्था जो ऐसे जातक की होती है, अर्थात लगभग 35 से 45 साल के आयु के मध्य में या 35 से 50 साल की आयु के मध्य में, ऐसे जातकों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। और किशोर अवस्था में ऐसे जातक बड़ा ही सुख प्राप्त करते हैं, युवा अवस्था में, जवानी में पूरा सुख ऐसे जातक प्राप्त करते हैं, और वृद्धावस्था में भी ऐसे जातक बड़ा ही सुख प्राप्त करते हैं। छत्र योग में उत्पन्न होने वाले जातक बड़े भाग्यशाली होते हैं। मैं कहूँगा यह योग बड़ा ही अच्छा है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे बिरले ही लोग ऐसे होते हैं। दयावान होना, दानी होना, परोपकार करना, किसी बिरले जातक में ही ऐसे गुण होते हैं। ऐसा समझो कि ऐसे जातक स्वर्ग लोक से ही धरती के ऊपर आए हैं जो ऐसा नेक काम करते हैं। क्योंकि भगवान की सेवा करने का यह एक बहुत अच्छा रूप है। सभी लोग भगवान की अलग अलग तरह से सेवा करते हैं, किंतु अंतर्यामी भगवान की सेवा कैसे करनी है ये कोई नहीं जानता। अंतर्यामी भगवान जो सबके अंदर रहते हैं, घट घट में रहते हैं, उनकी सेवा करने का यही तरीका है, उनकी पूजा करने का यही तरीका है कि दूसरों के ऊपर परोपकार किया जाए, दूसरों के साथ मैत्री की जाए, दूसरों के ऊपर दया की जाए, दान किया जाए। इससे इंसान जो है, अंतर्यामी भगवान जो घट घट में बसते हैं, उनकी पूजा इससे होती है। और ये सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी गई है। जब तक आप अंतर्यामी भगवान की पूजा नहीं करते, जो घट घट में रहते हैं उनकी पूजा नहीं करते, तो शेष पूजाएं जो हैं वो इतना फल नहीं दे पाती। और भगवान ने तो ये भी कहा है कि जो लोगों के ऊपर दान नहीं करते, दया नहीं करते, परोपकार नहीं करते और दूसरों के प्रति मन में द्वेष रखते हैं, ऐसे जातक, ऐसे लोग मेरे पाखंडी भक्त होते हैं। तो आज हमने चर्चा की छत्र योग के ऊपर। सप्तम भाव से लेकर लगन तक जब सभी ग्रह होते हैं तो छत्र योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में भी छत्र योग बन रहा है तो अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आपके ऊपर सदा कृपा करें। जय श्री राम।